ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज नाइन्थ क्लास में हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड्स। देखो, अब तक हमने डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर्स को स्टडी किया था, सॉल्यूशन को, ट्रू सॉल्यूशंस, कोलॉइड सस्पेंशन। फिर हमने सिंपल सॉल्यूशंस के अंदर कंसंट्रेशन टर्म को स्टडी किया था। अब इसी में से कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी शो करता है कोलॉइड्स, जो अपनी लाइफ में, डेली लाइफ से रिलेटेड इम्पोर्टेंस है, उसको हम कंसिडर करके चलते हैं। जनरली हमने तीनों की प्रॉपर्टी स्टडी कर ली थी। कुछ स्पेशल फिनोमिनास जो कोलॉइड शो करता है, आज वो स्टडी कर लेते हैं। फिर अपने लास्ट पोर्शन के पास, सेपरेशन के पास हम स्टार्ट करेंगे। आज अपना स्टार्ट करें प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड्स। ये हम स्पेशल प्रॉपर्टी शो करें, स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। देखो, जनरल शेप साइज से रिलेटेड सम पीछे स्टडी कर चुके हैं। अब कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी एग्जाम में डायरेक्ट प्रोसेस से पूछ ली जाती है, तो हम सिंपल जो प्रॉपर्टी हमसे पूछी जाती है दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी करने जा रहे हैं। दैट मीन्स फर्स्ट वन क्या है आपका, ब्रोनियन मूवमेंट। ये डिफरेंस के अंदर भी हमने कुछ स्टडी किया था। अब ये ब्रोनियन मूवमेंट क्या है, ब्रोनियन मूवमेंट क्या है, रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट के नेम के ऊपर, जिसने फर्स्ट ऑफ ऑल कोलोइडल पार्टिकल के अंदर मूवमेंट को स्टडी किया था। उसने ऑब्जर्व किया था कि अगर किसी भी बीकर के अंदर या किसी कंटेनर के अंदर कोलॉइड सॉल्यूशन था, और उसने जैसे ही माइक्रोस्कोप से उसको ऑब्जर्व किया, तो उसने उस पार्टिकल्स के मूवमेंट को ऑब्जर्व किया था। और वो पार्टिकल्स के अंदर मूवमेंट सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट ने, केमिस्ट ने किया था, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, ब्रोनियन मूवमेंट बोल देते हैं। ये ब्रोनियन मूवमेंट क्या है, देखो, जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स का जो जिगजैग मूवमेंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोलोइडल पार्टिकल्स, उस जिगजैग मूवमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, ये ध्यान रखना है आपने। जिगजैग मूवमेंट को क्या बोलते हैं, ब्रोनियन मूवमेंट। जैसे कोई भी, हम ये मान के चलें किसी कंटेनर के अंदर, जैसे हम लेबोरेटरी में भी कर यूज करते हैं, यहाँ कोलोइडल सॉल्यूशन फिलअप कर दिया, और इस कोलोइडल सॉल्यूशंस के अंदर अगर हमने माइक्रोस्कोप मीन्स जो छोटी चीज को बड़ा करके दिखाता है ऐसा डिवाइस, अगर ऑब्जर्व किया, तो हमने नोट डाउन किया कि यहाँ जो पार्टिकल्स हैं इसके, देखो इस पावरफुल लेंस से अगर ऑब्जर्व किया, तो ये पार्टिकल्स यहाँ रैंडमली मूव कर रहे हैं ऐसे किसी भी डायरेक्शन में। इनके लिए अगर इस पार्टिकल्स की बात करें, तो एक कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली मूव कर रहा है। तो इस जिगजैग पाथ को, रैंडम मूवमेंट को, यानी कोई भी पार्टिकल्स, ये भी देख सकते हैं किसी डार्क रूम में किसी एक कॉर्नर से लाइट आ रही है, उसमें डस्ट पार्टिकल्स को आपका मूवमेंट जो है वही क्या है, ब्रोनियन मूवमेंट। यानी सिंपल आप ये भी कह सकते हो कि कोई पार्टिकल ऐसे जा रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी डायरेक्शन में जाएंगे, ये टर्न अप करके ऐसे भी हो सकते हैं, वापिस इधर भी आ सकते हैं। ये जो इसका मूवमेंट है, यानी इस पार्टिकल्स ने यहाँ से स्टार्ट किया, देखो कैसे मूव करके आया, ये एरो से इंडिकेट कर रहे हैं, और ये रैंडम मूवमेंट है पार्टिकल्स का, इसी को क्या बोलते हैं हम, ब्रोनियन मूवमेंट बोलते हैं। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये किसने ऑब्जर्व किया, सॉल्यूशन के अंदर, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो सेकंड वन प्रॉपर्टी देखते हैं हम, जितने भी कोलोइडल पार्टिकल्स की अगर बात करें, तो कोलोइडल पार्टिकल्स हमें क्या शो करते हैं, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। देखो ये दोनों हमने पीछे भी स्टडी किया था डिफरेंस के दौरान। अब टिंडल इफेक्ट क्या है, कि
कि अगर किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशंस के अंदर से हमारे पास कोलोइडल सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशंस के थ्रू हमने जैसे ही यहां से लाइट पास की, ये जब तक इंटर नहीं किया स्ट्रेट लाइन में जा रही है, और जैसे सॉल्यूशन के अंदर इंटर करेगी ये लाइट सेक्टर हो जाती है। इस सेक्टर लाइट के अंदर जो हमें ये विजिबल पाथ नजर आ रहा है, देखो ये अपना लेट ये सॉल्यूशन था हमारे पास, इस सॉल्यूशंस के अंदर हमने जैसे ही लाइट पास की और ये लाइट से हमें विजिबल पाथ नजर आ रहा है, जिसके अंदर हमें इसके पार्टिकल्स इजीली व्यू हो रहे दिखाई दे रहे। अब ये जो सेक्टरिंग ऑफ लाइट है, यहां लाइट देखो मोनोक्रोमेटिक की तरह स्ट्रेट लाइन में जा रही थी, और जैसे ही ये लाइट सॉल्यूशन के अंदर कोलोइड के अंदर इंटर की है सेक्टर होगी, इसी सेक्टरिंग ऑफ लाइट को क्या बोलेंगे हम, इसी सेक्टरिंग ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। तो सिंपली आप क्या लिख सकते हो, टिंडल इफेक्ट को स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स व्हेन पास थ्रू इट्स सॉल्यूशन। या सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है, आपका गोल है, जैसे ही हम किसी सॉल्यूशन में यानी वो कोलोइडल टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है उसके थ्रू जैसे ही लाइट को पास करते हैं, यहाँ जो सेक्टरिंग ऑफ लाइट है किसके द्वारा, कोलोइडल पार्टिकल के द्वारा, उसको क्या बोलते हैं हम, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। यहाँ एक वर्ड और यूज करते हैं हम, देखो ये जो हमें पाथ दिखाई दे रहा है इस सॉल्यूशन के अंदर, देखो एक कोन से बन गया है, इसको हम बोलते हैं टिंडल कोन। ये जो हमारा विजिबल पाथ बन गया है इसको क्या बोलते हैं हम, टिंडल कोन बोलते हैं। तो ये कहे कि टिंडल कोन क्या है, अभी टिंडल कोन क्या है, विजिबल पाथ ऑफ सेक्टर्ड लाइट इन कोलोइडल सॉल्यूशन। टिंडल कोन क्या है, विजिबल पाथ ऑफ सेक्टर्ड लाइट इन कोलोइडल सॉल्यूशन। देखो जो विजिबल पाथ है वो आपको कौन से नजर आता है, इसलिए टिंडल इफेक्ट के अंदर जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है, जो सेक्टर्ड लाइट का पाथ हमें विजिबल होता है, उस पूरे पाथ को हम क्या बोलते हैं, टिंडल कोन बोलते हैं। और ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, टिंडल इफेक्ट कौन सो कर रहा है, ये किसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम, कोलोइडल पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। ये भी एक टाइप ऑफ मिक्सचर है जिसमें टू और मोर कंपोनेंट्स को मिक्सअप कर रखा है हमने। अब इसी की थर्ड वन प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, देखो, और थर्ड वन स्पेशल प्रॉपर्टी ये क्या शो करता है, हम बोले इलेक्ट्रोफोरेसिस शो करता है ना। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, देखो यानी इसकी अगर हम थर्ड वन प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या शो करता है, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये क्या वर्ड आ गया जी, अभी है ना, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है इसलिए हम इसको स्टडी करें। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, किसी कोलोइडल सॉल्यूशंस को हम एक यू शेप की ट्यूब में फिलअप कर देते हैं, इस फॉर्म में हमने फिलअप कर दिया, और यहां हम कोई भी कंडक्टिंग मेटल्स की इलेक्ट्रोड लगा देते हैं इसके दोनों टर्मिनल्स के ऊपर। इलेक्ट्रोड्स का मीनिंग क्या है कि जिसके थ्रू हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे, तो जैसे हम इलेक्ट्रोड्स पास करवाएंगे, देखो
लेट हमने यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे इसको हमने मान लिया कि ये अपना एनोड है, और जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे एनोड कैसा होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल्स होगा आपका किसी भी पावरफुल बैटरी के साथ। हम यहाँ से वोल्टेज सप्लाई कर रहे और बैटरी से कनेक्ट कर दिया हमने। इस केस में देखो फिजिक्स में पढ़ते हो कि बड़े वाली लाइन को हम किससे करते हैं पॉजिटिव, और छोटे वाली लाइन को क्या बोलते हैं हम नेगेटिव। अब जो हमारी पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से जुड़ा हुआ है उसको क्या बोलते हैं हम एनोड, और ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है इसको क्या बोलेंगे हम कैथोड। और कैथोड के ऊपर जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं तो कैसा चार्ज होगा नेगेटिव। अब देखो हम यहाँ इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, इस यू शेप की ट्यूब के अंदर हम यहाँ फिलअप कर देंगे इलेक्ट्रोलाइट, जो भी कोलोइडल सॉल्यूशन हमारे पास है। अब हमने स्टडी किया था कि कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, जो भी आपने सॉल्यूशन बनाया किसी ना किसी साल्ट एसिड बेस को डिजोल करके बनाया, उस कोलोइडल पार्टिकल्स जो होंगे हमारे पास उसके ऊपर क्या होगा कैरी सम चार्ज। अब ये चार्ज जो है इसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर कैसा होगा नेगेटिव चार्ज होगा। तो हम मान के चलते हैं देखो अगर हमारे पास ये सॉल्यूशन बन गया हमारा, और इस सॉल्यूशंस के अंदर हम ये कहें कि अपने पास फेरिक क्लोराइड का कोलोइड है, आपने फेरिक क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन बना रखा है और ये कोलोइड की तरह काम कर रहा है, तो इसमें फेरिक क्लोराइड के अंदर एक आपको फेरिक आयन मिलेंगे और एक क्लोराइड आयन मिलेंगे, एक आपका पॉजिटिवली चार्ज आयन है और एक नेगेटिवली चार्ज, और इन्हीं पार्टिकल्स को हम कोलोइड बोलते हैं। अब ये जो जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, अब ये कैसा है आपका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये कैसा है नेगेटिव टर्मिनल्स, और हमें पता है कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो जैसे सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोड लगा के इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, जैसे हम देखते हैं ना चुंबक लोहे को खींच लेती है, ऐसे ही अपोजिट चार्ज के बीच में एक अट्रैक्शन होता है, वो अपने आप खींचना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पॉजिटिव चार्ज तभी आता है इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा हम, तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं या टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तो पॉजिटिव की तरफ कौन मूव करेगा नेगेटिव वाले आयन मूव करेंगे। अगर हमने यहाँ फेरिक क्लोराइड को फिलअप कर रखा है तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ये क्लोराइड आयन मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ये क्लोराइड आयन जो थे ये क्या करेंगे आपके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे देखो। और इसी केस में जो नेगेटिव टर्मिनल है उसकी तरफ किसका मूवमेंट हो जाएगा पॉजिटिव आयंस का, और ये जो पॉजिटिव आयंस थे अब किसकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे नेगेटिव टर्मिनल्स के साथ। या जब हम कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं तो ये जो मूवमेंट ऑफ आयन है, यानी यहां आपके पास जो फेरिक क्लोराइड की फॉर्म में साल था और ये यहाँ क्लोराइड आयन और फेरिक में डिसोसिएट हो रखा है, अब ये फेरिक आयन तो मूव करके नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ और क्लोराइड आयन किसकी तरफ मूव कर रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ। कब हुआ, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। अब ये मूवमेंट ऑफ आयन है टूवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव वाले पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं पॉजिटिव वाले नेगेटिव की तरफ, इस मूवमेंट ऑफ आयन को ही क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। शायद आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि इलेक्ट्रोफोरेसिस एक फिनोमिना एक प्रोसेस है कि जैसे ही कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे जिससे आपने कोलोइड बना रखा है तो वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। देखो ज्यादा नहीं तो आपने अपने घर में एक सेल को देखा होगा ड्राई सेल की फॉर्म में, हम बोलते हैं जिसको ना आपके टॉयज के अंदर
या दीवार घड़ी में डालते हैं उसको निकाल के देखना है आपने। एक टर्मिनल्स पे प्लस का साइन नजर आएगा और एक साइड से उसको देखोगे तो माइनस लिख रखा है। ये प्लस माइनस ही क्या है, आपके इलेक्ट्रोड टर्मिनल्स को मेंशन कर रहे हैं। ऐसे हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो इस केस में अपने कोलोइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है, इसी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो लिखें क्या होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस मीन्स मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स टूवर्ड्स अपोजिट इलेक्ट्रोड व्हेन एक्सटर्नल वोल्टेज इज सप्लाई थ्रू कोलोइडल सॉल्यूशन, या सिंपली क्या कह सकते हो, मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स टूवर्ड द अपोजिट इलेक्ट्रोड। देखो इसको हम सिंपली ये भी कह सकते हैं, मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स टूवर्ड्स अपोजिट इलेक्ट्रोड। और ये मूवमेंट कब होता है, जब एक्सटर्नल वोल्टेज हम सप्लाई कर रहे हैं, और इसी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये कोलोइडल पार्टिकल्स शो करते हैं। अब कोलोइडल पार्टिकल्स के अंदर क्या है, चार्ज आयन होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स पार्टिकल्स हमें मिलते हैं। उसी से क्या हो रहा है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो मूवमेंट शो करेंगे। और अगर आप कंटिन्यू मूवमेंट करवा दें, इसके एप्लीकेशन में यूज करते हैं, इसलिए इसको पढ़ रहे हैं। इसी प्रोसेस की वजह से जब बड़ी बड़ी टावर्स होती हैं या इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, उसमें जो स्मोक निकल रहा है उसको एयर को करके हम एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं, उसमें भी क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोड मेंशन कर देते हैं। और उस स्मोक के अंदर भी आपका क्या एक एरोसोल है, वो कोलोइड है, तो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोड भी इकट्ठे हो जाते हैं और मोलिकुलर जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन CO2 प्योर गैसेस बच जाएंगी उसको लीव आउट कर देते हैं। तो इसके एप्लीकेशन में भी हम पढ़ेंगे। तो ये जो मूवमेंट है, अगर कंटिन्यू आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हो तो नेगेटिव वाले सारे कहाँ एग्रीगेट हो जाएंगे, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर यहाँ सारे के सारे नेगेटिव चार्ज आयन आके एग्रीगेट हो जाएंगे यहाँ, और इसी तरह से नेगेटिव टर्मिनल के साथ सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स एग्रीगेट हो जाएंगे। तो इसी से हम प्योरिफिकेशन के लिए भी यूज करते हैं इसको, अगर हमने प्योरीफाई करना है। नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी देखते हैं, क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज फिनोमिना कोलोइडल पार्टिकल्स के अंदर शो कर रहे हैं, और वो कौन सी है, अपनी कोगुलेशन शो करता है। कोगुलेशन का मीनिंग क्या है कि जो आपके कोलोइडल पार्टिकल्स थे आप नेक्ट आइज से इनको नहीं देख पा रहे थे, लेकिन जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की है इलेक्ट्रोड्स पे जाके इकट्ठे हो गए हैं। तो जब बहुत सारे पार्टिकल इकट्ठे हो जाएंगे तो साइज बड़ी हो जाती है, जल्दी देख सकते हैं। और अगर हम यहाँ बात करें कोलोइडल पार्टिकल्स की, तो हम बोल रहे हैं कि ये कोगुलेशन शो करता है। अब ये कोगुलेशन क्या होता है, देखो कोगुलेशन सेम ऐसे ही है जैसे आपके पास दूध है, दूध के अंदर जो प्रोटीन्स हैं छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जैसे उसके अंदर आप नींबू निचोड़ देते हो उबलते हुए दूध में, तो वो प्रोटीन मॉलिक्यूल इकट्ठा हो जाता है और आपको पनीर के रूप में दिखाई देना शुरू हो जाता है। अगर हम अपने किसी कोलोइड की बात करें, वो भी सेम केस है कि आप जैसे ही कोई ऐसा नया सॉल्यूशन के अंदर कोई ऐसा, जैसे ही आपने देखो यहां आपके पास मिल्क था, मिल्क क्या है, एक टाइप ऑफ कोलोइड है, मिल्क भी एक कोलोइड है, और इस मिल्क के अंदर जैसे ही आपने लेमन जूस को डाला, अब ये ध्यान देना है हमने ठंडा है तो रिएक्शन धीरे होती है, लेकिन अगर आपने ये बॉइल्ड मिल्क लिया है और इसके अंदर लेमन जूस आपने डाल दिया, तो आप क्या देखोगे
कि जो मिल्क था वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया अभी, चीज के अंदर, पनीर के अंदर। यानी जिसमें आपको यहाँ मिल्क के अंदर जो कोलोइडल पार्टिकल्स थे, और ये कोलोइडल पार्टिकल्स क्या थे, या प्रोटीन मॉलिक्यूल, ये जो प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल हमें पहले दिखाई नहीं दे रहे थे, मान लो इनकी साइज छोटी थी, और जैसे हमने लेमन जूस डाला, ये जो छोटे साइज के प्रोटीन थे ये सारे के सारे इकट्ठे होके एक दूसरे के साथ स्टिक हो गए और ये एक बड़ा पार्टिकल्स बन गया। अब ऐसे छोटे को तो नहीं देख सकते हम, लेकिन बड़े को देख सकते हैं। तो कोगुलेशंस का मीनिंग क्या होता है, जो स्मॉल साइज के पार्टिकल्स है वो कोगुलेट हो गए, यानी इकट्ठे होके बड़ा साइज बना देते हैं। ऐसे ही हम कोलोइडल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो उसमें पॉजिटिवली चार्ज आयन, जैसे ही कोई ऐसे चार्ज का आयन डाल देंगे तो वो इकट्ठे हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो कोगुलेट हो जाएगा। कोगुलेट मीन्स इनसॉल्युबल की फॉर्म में आ जाएगा आपको, यानी सस्पेंशन बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, वो जैसे हमने थ्री टाइप पढ़े थे तो सस्पेंशन की फॉर्म में आ जाएगा वो। तो लिखते हैं, देखो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि कोगुलेशन किसको कह रहे हैं हम, कोगुलेशन कोलोइड की वो प्रॉपर्टी है, अगर किसी कोलोइडल सॉल्यूशन में हम कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट यानी साल्ट कोई डाल देंगे, कोई नया केमिकल डाल देंगे, नया केमिकल डालने से जो कोलोइड था वो सस्पेंशन में कन्वर्ट हो जाता है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोगुलेशन। अगर अपनी सिंपल आसान सी डेफिनेशन में लिखें तो कोगुलेशन आपका क्या है, प्रोसेस इन विच कोलोइडल सॉल्यूशन चेंज इनटू सस्पेंशन, कब होगा ये, ऑन एडिंग सम साल्ट, और साल्ट को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोल देते हैं, है ना। ये आगे पढ़ेंगे हम, इलेक्ट्रोलाइट मीन्स जो आयनाइज हो रहा है, कैटाइन एनाइन दे रहा है, चाहे वो साल्ट की जगह एसिड है, बेस है, या कोई भी साल्ट है, अगर हम कुछ डाल देते हैं तो इस प्रोसेस में जो कोलोइडल सॉल्यूशन सस्पेंशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोगुलेशन। जैसे आपने क्या किया अभी, मिल्क को आपने चेंज कर दिया किसके अंदर, चीज के अंदर, यहां हमने जो एक्स्ट्रा साल्ट की फॉर्म में डाला, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में, हम क्या डाल रहे हैं, यहाँ लेमन जूस हमने डाल दिया। तो जैसे ही किसी, ये हमारे पास क्या था, एक कोलोइडल सॉल्यूशन था, और कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर जैसे हमने कोई साल्ट एसिड बेस डाला, यहाँ पे यहाँ साल्ट की जगह हमने क्या डाला, इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में एसिड ऐड कर दिया। लेमन जूस क्या, एक एसिड है, तो जो कोलोइड की फॉर्म में था आपका मिल्क, वो किसमें कन्वर्ट हो गया अभी, ये जो चीज है ये किसकी फॉर्म में मिलता है हमें, सस्पेंशन। देखो आपको उसमें जैसे ही दूध फट जाता है या पनीर बन गया है, तो हम क्या देखते हैं कि वो पनीर आपको अलग नजर आ रहा है, और उसके अंदर जो लिक्विड फॉर्म में वॉटर है वो अलग से नजर आ रहा है, और जब दोनों कंपोनेंट अलग नजर आए तो उसको हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशन। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोगुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोगुलेशन। इस कोगुलेशन प्रोसेस को देखो हम यूज कहाँ करते हैं, एक तो हम दूध से पनीर बनाने में यूज करते हैं, कि कोलोइड में जो प्रोटीन मॉलिक्यूल छोटे थे उसको हम अलग नहीं कर पा रहे थे, उसको हमने लेमन जूस डाल के कोगुलेट कर दिया, और उसको अपनी छलनी में या कपड़े में चान के फिल्टर करके सस्पेंशन, पनीर को चीज को अलग से अलग कर लेते हैं। इसी तरह से इसके एप्लीकेशन और कहाँ यूज करते हैं, देखो इसी से रिलेटेड एक हम कॉमन सेपरेशन भी यूज करेंगे, एक वर्ड यूज करते हैं हम, लोडिंग। लोडिंग क्या है, ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ एडिंग एलम। देखो कोई भी आपके पास कोलोइडल या मेडी पोंड वाटर है, उसके अंदर हम एलम फिट भी डाल देते हैं, बोलते हैं हम अपनी लोकल लैंग्वेज में, जैसे ही डालेंगे प्रोसेस ऑफ एडिंग एलम,
और एलम डालने की वजह से जो स्मॉलर पार्टिकल्स थे वो कोगुलेट होके साइज में बड़े हो जाएंगे और सेटल डाउन हो जाएंगे। तो लोडिंग प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ऑफ एडिंग एलम बाय विच स्मॉलर सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ कोलोइड सेटल डाउन, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लोडिंग। और इसी लोडिंग को हम यूज करते हैं किसके लिए? प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए यूज करते हैं। अगर आपने पोंड वाटर या मेडी वाटर से ड्रिंकेबल वाटर बनाना है, साफ पानी बनाना है, तो लोडिंग को यूज करते हैं। या हम कब यूज करते हैं? जैसे कहीं भी कट या घाव लग जाता है तो उसके ऊपर हम फिटकरी रगड़ लेते हैं, अलम रगड़ लेते हैं, तो वो उसी टाइम खून की जो ब्लीडिंग हो रही थी, खून बह रहा था, वो क्लॉट बन जाता है, थक्का बन जाता है और रुक जाता है। तो वो भी क्या है? एक प्रोसेस कोगुलेशन का है ना। तो कहाँ कहाँ यूज करते हैं इनको हम? देखो इसी के केस में अगर हम इन्हीं फोर प्रोसेस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम एप्लीकेशन अगर स्टडी करें, क्या स्टडी करें हम? एप्लीकेशंस क्या है, कहां यूजेज करते हैं? हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है इनकी, एप्लीकेशन मींस हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? यूजेज कहां करते हैं, क्या यूजेज है इनके? देखो कहां यूज करते हैं इनको? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इनको कहां यूज करते हैं? फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ सीवेज वाटर। जो सीवेज वाटर है ड्रिंकिंग वाटर बनाने के लिए, उसको हम क्या प्रोसेस यूज करते हैं? यहाँ एक सीरीज ऑफ प्रोसेस करते हैं, और जिसके अंदर हम इसी की प्रोसेस को, यानी सीवेज वाटर के अंदर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे और लोडिंग करवाएंगे, और जिससे जो सीवेज वाटर है वो क्या हो जाएगा? ड्रिंकेबल वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। इसी केस में इसकी नेक्स्ट वन अगर एप्लीकेशन देखें हम, तो हम किस में यूज करते हैं इसको? फिल्ट्रेशन, या हम ये कहें प्योरिफिकेशन ऑफ जो आपकी स्मोक या ब्लैक धुआं जो चिमनी से निकल रहा होता है किसी इंडस्ट्रीज या फैक्ट्री से, उसको भी हम किससे प्योरीफाई कर रहे हैं? एयर को प्योरीफाई कर रहे होते हैं। किससे? इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस से। फिल्ट्रेशन या प्योरिफिकेशन ऑफ स्मोक रिलीज्ड फ्रॉम इंडस्ट्रीज बिफोर डिस्चार्ज इन एयर, उसको हवा में छोड़ने से पहले हम उसको क्या करते हैं? प्योरीफाई करते हैं, फिल्टर करते हैं। हम क्या करते हैं? देखो जो टावर्स उसकी होती है जहां से स्मोक निकल रहा होता है, वहां अपोजिट इलेक्ट्रोड के साथ या हम क्या कनेक्ट कर देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा? अपोजिट चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोड पे सेटल डाउन हो जाएंगे, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा? फिल्ट्रेशन ऑफ एयर को प्योरीफाई करके हम एयर में उसको डिस्चार्ज करते हैं। नेक्स्ट वन अगर इसकी एप्लीकेशन देखें हम, तो कहाँ यूज करते हैं इसको? देखो जितनी भी अपनी मेडिसिन है उसमें भी अपनी मेडिसिन क्या है? कोलोइडल फॉर्म में, यानी मेडिसिन इन फॉर्म ऑफ सिरप की फॉर्म में जो हम मेडिसिन यूज करें, ये सिरप है, ये भी क्या है आपका? एक कोलोइडल सॉल्यूशन है, और ये कोलोइड सॉल्यूशन की वजह से, यानी अपनी बॉडी के अंदर जितना सिस्टम चल रहा है वो कोलोइडल की फॉर्म में ही हम यूजेज करते हैं। और नेक्स्ट वन अगर इसकी प्रॉपर्टी देखें, तो हम किस में यूज करते हैं इसको? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। देखो अगर किसी भी वाउंड की वजह से या कट की वजह से
स्किन के ऊपर या बॉडी पार्ट पे कट लग जाता है, इस ब्लीडिंग पोर्शन पे जैसे ही हम फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन अप्लाई कर दें या इसकी जगह हम क्या अप्लाई कर दें, एलम, तो जहां से कट और ब्लीडिंग हो रही थी उसका क्या बन जाएगा, अभी क्लॉट बन जाएगा। तो ये हम जो प्रोसेस यूज कर रहे हैं, ये एप्लीकेशन किस पे बेस है, कोलोइडल सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टी पे बेस है ना। कैसे, वो जैसे ही लिक्विड फॉर्म में ब्लड लीक आउट हो रहा है कट पोर्शन से, जैसे ही हम फेरिक क्लोराइड या एलम फिटकरी रगड़ लेते हैं उस कट पोर्शन पे, तो वहां से जो खून बह रहा था आपका वो क्लॉट हो जाएगा। का मीनिंग अपनी आम भाषा में समझोगे कि वो डेंस हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, तो कट पोर्शन से निकल नहीं पाएगा, तो हम उससे क्या कहेंगे कि उसकी क्लॉटिंग हो गई है। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस किसकी है, ये कोलोइडल सॉल्यूशंस की, अपनी डेली लाइफ्स में हम कहाँ यूज कर रहे हैं इनको। तो देर आर सो मैनी अनलिमिटेड एप्लीकेशंस है ना। अपने फैब्रिक्स के ऊपर अगर आप ये कहें, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, आप कपड़े धो रहे हैं उसमें क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप हो रहा है, वो भी किसकी वजह से हो रहा है, कोलोइड की वजह से हो रहा है। यानी आपके फैब्रिक्स के ऊपर ये कोई भी ऑयली डर्ट है, और इसको आप पूरे कपड़े को अगर आप जैसे ही सोप सॉल्यूशन के अंदर डीप करेंगे, तो सोप मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, कोगुलेट कर जाते हैं, मिसल्स फॉर्मेशन कर जाते हैं। इसके साथ क्या करेंगे, अपने सोप मॉलिक्यूल इस फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, और आपका जो क्लोथ है, फैब्रिक है, वो क्या हो जाता है, डर्ट फ्री हो जाता है ना। जैसे रिंस करेंगे तो ये क्या करेंगे, इस डर्ट को अपने साथ पानी के साथ बहा ले जाते हैं। तो ये सारे प्रोसेस जो हम कर रहे हैं किस पे बेसिस है, कोलोइड की प्रॉपर्टी पे बेसिस है। क्लीनिंग देखें, हम जितनी मेडिसिन ले रहे हैं या हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स आगे स्टडी भी करना है ना, अपना नेक्स्ट टॉपिक बचा अभी प्योरिफिकेशन, उसमें हम वन बाय वन पढ़ेंगे किसी भी दो कंपोनेंट को अलग कैसे, तो इन वर्ड को यूज करना है हमने, है ना, कोगुलेट करेंगे, फिल्टर करेंगे, लोडिंग करेंगे, तो ये सब हमने अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, ये कोलोइड से रिलेटेड कुछ स्पेशल प्रोसेस थे, होप्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपने सेपरेटिंग प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।